18/12/2022 में सीआई नारनौल ने एक कैंटर पकड़ा था जिसमें 1023 पेटियाँ मिली थी। इस मुकदमे में अब तक हमने 20 अपराधी को अरेस्ट कर लिया है और ये जो अक्यूज हैं ये हरियाणा स्टेट से, उत्तराखंड स्टेट से, चंडीगढ़ से और उत्तराखंड से, यूपी से हैं। इसमें पहले हमने 5 बंदों की गिरफ्तारी की थी जो 1023 पेटी को गुजरात की तरफ तस्करी करवाना चाहते थे। इसमें हमें आगे तफ्तीश में हमें एक गोडाउन मिला था मानेसर में, जहाँ पे हमें 106 पेटियाँ मिली थी जिसमें हमने कंसर्न्ड एक्साइज डिपार्टमेंट से, चाहे वो चंडीगढ़ का था, गुड़गांव का था, अंबाला से रिकॉर्ड लिया। तो दो बड़ी डिस्टिलरीज, संचायती बॉटलिंग प्लांट जो कि चंडीगढ़ थी, उनके हमने डायरेक्टर अरेस्ट किए और साथ में लेक फॉरेस्ट वाइन्स जो गुड़गांव में स्थित है उसके हमने डायरेक्टर अरेस्ट किए। तफ्तीश में आगे आया कि जो गोडाउन में ये जो दारू तस्करी करके लाते थे, चाहे वो चंडीगढ़ से लाते थे या गुड़गांव से लेते थे, उसमें ये डिफेंस के रैपर लगा के यूपी का एक व्यक्ति देहरादून के व्यक्ति के साथ मिलकर देहरादून और यूपी में बेचते थे गुजरात के अलावा। उसमें हमने एक पंकज गोयल और सोनू बनिया को अरेस्ट किया है और साथ में उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया जिनका नाम अंकित, सुमित और भगवंत विष्ट है। भगवंत विष्ट जो आर्मी कैंटीन है वहाँ पे एक क्लर्क है जो कि होम टू होम डिलीवरी करता था देहरादून में दारू की, जिसपे CDS कैंटीन का रैपर लगाते हैं। इस पूरी कार्रवाई में हमने एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो कि गुजरात, उत्तराखंड, यूपी दारू की स्मगलिंग करता था, उनको हमने गिरफ्तार किया है। जिसमें मैंने जैसे बताया कि संचायती बॉटलिंग प्लांट के डायरेक्टर अरेस्ट किए हैं, लेक फॉरेस्ट वाइन्स के 2 डायरेक्टर अरेस्ट किए हैं। इसमें 2 व्यक्तियों की अभी अरेस्ट पेंडिंग है, हमारी टीम द्वारा बार बार रेड की जा रही है ताकि वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार। उम्मीद है दूसरे राज्यों में भी इनके हाथ लगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और चंडीगढ़ के जो मुख्य आरोपी थे, जिनके नाम पे L1 थे या लिकर वेंट थे, उनको हमने अरेस्ट कर लिया। गुजरात की तरफ अब हम अपनी तफ्तीश को बढ़ाएंगे। जो भी गुजरात के तस्कर हैं जिनके नाम आए हैं, अब उनको हम शीघ्र अरेस्ट करने का प्रयास करेंगे। चंडीगढ़ में कुछ फाइन हुआ था सर इनको? मैंने ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में देखा था कि एक संचायती बॉर्डिंग प्लांट है उसमें 1.5 करोड़ का फाइन लगाया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ द्वारा, और संचायती बॉटलिंग प्लांट की हमने जो गोडाउन से हमें अवैध दारू मिली थी और जो 1023 पेटी हैं ये भी संचायती बॉटलिंग प्लांट जो कि चंडीगढ़ में, वहीं से ये दारू आई। कुछ हरियाणा के गैंगस्टर्स हैं, हरियाणा के गैंगस्टर्स हैं, कुछ बड़े, उनका भी कोई नाम है जैसे काले या टेढ़ा? देखिए, दीपक गुलिया हमने अरेस्ट किया था जो कि जिनके नाम पे पिछली एक्साइज पॉलिसी में जो कि हमारे पास पूछताछ में आया था कि चंडीगढ़ में इलांटे मॉल के आसपास उनका एक ठेका है, उनके रिश्ते काला छड़ी गैंगस्टर के साथ बताए जाते हैं और इनको भी हमने जिस दिन हमने गाड़ी पकड़ी थी तो उसके 2 दिन बाद ही गिरफ्तार किया। सर, 152D से सप्लाई होती है सारी, ये तो 152D पर कोई सुरक्षा को लेके कुछ किया जा रहा है? बड़ा नेटवर्क ये क्षेत्र बन रहा है। देखिए, हम NH में ना के सिर्फ जब सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो हम तभी लगाते हैं और रूटीन पे हम GDR एंट्री करके हम नाकाबंदी करके चेकिंग करते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।